जो लीगल आता है, जैसा सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि अनेक अनेक देशों से लोग आते हैं, जो टूरिस्ट के रूप में आते हैं, धार्मिक टूरिस्ट के रूप में आते हैं, जैसा पाकिस्तान से बहुत हिंदू आते हैं, तो वो सामान्य तौर पर हरिद्वार उनके लिए प्राथमिकता रहता है। कुछ मोमडन टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए कलियर प्राथमिकता रहता है। कुछ हमारे अन्य लोग होते हैं, सरदार जी होते हैं, उनके लिए अन्य प्रकार का कोई प्राथमिकता होती है, तो वो आते रहते हैं। तो उनकी इस प्रकार का वो एक लीगल सारी स्थिति है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लगातार देश में चर्चा है, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो उनके बारे में कहा कि ऐसा कोई इनपुट अभी तक नहीं था, लेकिन अगर माननीय विधायक जी ने कहा तो गंभीरता से लेते हुए इसके तत्काल जांच के लिए तत्काल कहा हमने। अरे मैंने कहा ना कि भाई आप मुझे बताइए कि किसी ने अगर शिकायत की है या किसी ने कुछ अपना एक आशंका व्यक्त की है, सरकार के स्तर पर तत्काल इसके निर्देश दे दिए गए हैं कि आप तत्काल जांच करिए अगर कोई है। अगर जहां देखिए इन जनरल कहीं से ऐसी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये समय समय पर इस प्रकार की सूचनाएं रहती हैं और कि निर्देश रहते हैं सारे डीएम को कि अगर इस प्रकार का कोई जो हमारे नागरिक ना हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक ना हो, और एक कहीं ना कहीं जिसको उसी रूप में आप उसका नाम अलग 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 करके ले सकते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये हमारी मंशा है। और इस रूप में कहीं कोई रियायत होने का सवाल ही नहीं है। सरकार की कोई सूचना सरकार के स्तर पर नहीं है, लेकिन यदि कहीं से कोई इनपुट प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, तो गंभीरता के साथ उसकी जांच, और जांच के बाद यदि ऐसा कोई निकलता है तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई, ये सरकार के आवश्यक निर्देश सभी जिले के जिलाधिकारी को दे गए।